अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उन परिंदों का जिक्र करेंगे जिनको हम रोज़ाना के रूटीन में अपने आसपास देखते हैं। ये परिंदे हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ मैना की, जिसकी बहुत सी इकसाम पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से कुछ इकसाम हमारे घरों के इर्द गिर्द इस तरह से रच बस गई हैं जिनकी वजह से हमें महसूस ही नहीं होता कि ये जंगली परिंदे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके में कौन कौन सी मैना पाई जाती है। नंबर वन पे है आम मैना, जिसे हम कॉमन मैना या आम मैना कहते हैं, जिसका नाम एक्रिडोथिरिस ट्रिस्टिस के नाम से जानी जाती है और इसका ताल्लुक परिंदों की फैमिली से है। आम मैना को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लाली या शारक भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में आम देखा जाने वाला परिंदा है, जिसको कुछ लोग घरों में पालना भी पसंद करते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है। इसका रंग जो है वो ब्राउन और ब्लैक होता है, जिसके साथ इसकी येलो चूंच हो सकती है और सेम टाइम इसकी जो चूंच है वो ऑरेंज भी देखी गई है। और इसकी नुमाया खासियत इसकी पीली रंग की आंखें, जो कि इसकी टांगों से मैच करती हैं, और अगर इसका रंग ऑरेंज होता है तो इसकी टांगे भी ऑरेंज होती है। ये मैना पाकिस्तान के तमाम इलाकों में पाई जाती है। पाकिस्तान के अलावा ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी पाई जाती है, जैसे कि एशिया और यूरोप के भी बहुत से इलाकों में पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक ये दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैले जाने वाले परिंदों में से एक है। आम मैना का जोड़ा सारी जिंदगी कायम रहता है और ये ब्रीडिंग के दौर में 4 से 6 अंडे देते हैं, जिसमें से 17 से 18 दिनों के अंदर ही बच्चे निकल आते हैं। इनके बच्चे 22 से 24 दिनों के अंदर ही घोंसला छोड़ देते हैं। आम मैना बहुत सी मुख्तलिफ जगहों पर घोंसला बना सकती है, जो कि इसकी कामयाबी का राज है। शाम के वक्त जो आम मैना है वो दरख्त की ऊंची शाखों पर बैठती है और शाम से पहले और सूरज तुलू होने के बाद ये अच्छा खासा शोर मचाती है। बाज़ औक़ात ये दूसरी किस्म की मैनाओं के साथ भी इकट्ठी देखी जा चुकी है। वैसे तो ये एक हमाहोर परिंदा है, लेकिन इसके खुराक का ज्यादातर जो दारोमदार है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स यानी के कीड़ों मकोड़ों पर होता है। बाज़ औक़ात लोग इसको तोते के मोनस भी समझते हैं, जो कि कहना बिल्कुल गलत है। नंबर दो पे हम बात करेंगे सुर्ख आंखों वाली मैना, जिसको सुर्ख आंखें या ऑरेंज कलर की आंखें भी कहा जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं बैंक मैना। ये दिखने में बहुत खूबसूरत मैना है और इसकी जो हाइट है वो दूसरी वाली मैना से, जो आम मैना है, उससे कम होती है और दिखने में ये जंगली मैना से बहुत ज्यादा मिलती है। आम मैना की तरह कुछ लोग इसको लाली या शारक कहते हैं। पाकिस्तान में ये अमूमन दरिया के किनारों पर मिट्टी में घोंसला बनाकर रहती है, इसी वजह से इसको इंग्लिश में बैंक मैना भी कहा जाता है। ये मैना सिर्फ बरसगीर यानी के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल में पाई जाती है। ये मैना झुंड में रहना पसंद करती है और रात के वक्त भी ये झुंड में ही एक दरख्त पे आराम करती है। कभी कभी इनके झुंड में आम मैनाओं का झुंड भी शामिल होता है। आम मैना की तरह ये वाली मैना इंसानों से जल्दी मानूस नहीं होती। इस मैना की खुराक में हशरात और बीज वगैरह शामिल होते हैं। नंबर तीन पे है जंगली मैना। इसका अंग्रेजी नाम एक्रिडोथिरिस फस्कस है और ये आम तौर पर पाकिस्तान में बलाई इलाकों में पाई जाती है। पाकिस्तान से बाहर ये भारत, नेपाल और बांग्लादेश में भी देखी गई है। इस मैना की खास बात चूंच के करीब सर के ऊपर बालों का एक गुच्छा है, जो कि इसको दूसरी मैनाओं से मुमताज करता है और इसकी नीली खूबसूरत सी आंखें भी इसको मुमताज बनाती हैं। जंगली मैना बाकी मैनाओं की तरह हमाहोर होती है, लेकिन ये भी अपनी खुराक में ज्यादातर कीड़े मकोड़े ही पसंद करती है। इसके अलावा इसकी खुराक में बीज और फल वगैरह भी शामिल है। जंगली मैना आमतौर पर दूसरे जानवरों के जिस्म पर बैठकर उनके जिस्म से कीड़े मकोड़े चुनकर खाती है। इसके झुंड में भी बाज़ औक़ात दूसरी मैनाएं शामिल हो जाती हैं। नंबर चार पर बात करेंगे चितकबरी मैना या पाइड मैना। ये बहुत खूबसूरत मैना है, जिसका साइंसी नाम पाइड मैना भी बरसगीर के अलावा बहुत से दूसरे इलाकों में देखी गई है। ये आमतौर पर मैदानों या कम ऊंचे पहाड़ों पर पाई जाती है और ये भी ग्रहों की शक्ल में रहती है। कभी कभार ये गांव या शहरों में भी नजर आ जाती है, लेकिन ये आम मैना की तरह इंसानों से मानूस नहीं होती। ये आमतौर पर उन जगहों पे पाई जाती है जहां पर खुला पानी दस्तयाब होता है। भारत में ये मैना दरिया गंगा और दरिया कृष्णा के करीब पाई जाती है। पहले तो ये भारत तक ही महदूद थी, लेकिन इसका फैलाव अब पाकिस्तान में भी फैल चुका है। पाकिस्तान में ये लाहौर, इस्लामाबाद, पोटोहार तक देखी गई है। इसके अलावा ये
दुबई और मलेशिया तक भी पहुंच चुकी है। ये मैना 2 से 3 रंगों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें काला, सफेद, ब्राउन और स्किन कलर मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको चितकबरी मैना कहा जाता है। इसकी चोंच वैसे तो ऑरेंज होती है, लेकिन स्टार्टिंग से थोड़ी सी पीली होती है। नर और मादा दोनों जो हैं वो दिखने में एक ही जैसे होते हैं। ये कम ऊंचे मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है और खास तौर पर जहाँ पर पानी के करीब दरख्त बिखरे हुए होते हैं, ये वहाँ पर रहना पसंद करती है। कभी कभार ये इंसानी इलाकों के करीब भी देखी गई है। अगर इनके छोटे बच्चों को घरों पर पाला जाए तो ये कुछ इंसानों और कुछ दीगर परिंदों की आवाज़ों की नकलें भी उतारते हैं। इनकी खुराक में भी दाने, बीज, फल, हशरात वगैरह शामिल होते हैं। इनकी ब्रीडिंग का मौसम मार्च से सितंबर तक होता है। ये इंसान दोस्त परिंदा है, क्योंकि ये फसलों में पाए जाने वाले जो कीड़े फसलों को नुकसान देते हैं, ये उनको खाती हैं। नंबर 5 पे है आर्म क्लेयर यानी कॉमन स्टारलिंग। इसका ताल्लुक भी मैना के खानदान से है, जिसको स्टर्नस वल्गैरस भी कहते हैं। ये बड़े आजम एशिया के इलाकों में आम तौर पर देखी गई है। ये परिंदा सर्दियों में भारत और पाकिस्तान में आता है और उस वक्त ये पंजाब को छोड़कर बाकी सारे इलाकों में देखी जाती है। ये झुंड की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, जिनके झुंड में एक वक्त में हजारों के करीब परिंदे मौजूद होते हैं। ये परिंदा आम तौर पर दरख्तों के खोखले तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके अंडों से 13 दिनों में बच्चे निकल आते हैं और 21 दिनों के बच्चे घोंसला छोड़कर उड़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 6 पे बात करेंगे सुर्ख मैना या ब्राह्मणी मैना। सुर्ख मैना, जिसको भारत में ब्राह्मणी मैना भी कहा जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत मैना है। ये सुरही माइल मेहंदी रंग की मैना है, जिसके सर पे काले रंग का ताज होता है। ये मैना भारत और नेपाल का मुस्तकिल रहायशी परिंदा है। गर्मियों में ये परिंदा जो है आम तौर पर पाकिस्तान में देखा जा सकता है। ये ज्यादातर झाड़ीदार जंगलात या खेतों में देखी जा सकती है। पाकिस्तान में ये मैना खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में भी देखी जाती है। ये मैना भी दूसरी मैनाओं की तरह हमाहोर है, जो के बीज, हशरात और फल वगैरह खाती है। ये आमतौर पर जोड़े की शक्ल में या छोटे झुंड की शक्ल में रहती हैं। नंबर 7 पे बात करेंगे ग्रे हेडेड मैना या सुरमई सार वाली मैना के बारे में। ये मैना मुश्किल तौर पर जनूबी एशिया में भारत और पाकिस्तान के मशरकी इलाकों में पाई जाती है। पाकिस्तान में ये कराची से इस्लामाबाद तक फैली हुई है। इस मैना की जिसामत 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसकी दुम काली और सुरमई होती है। इसके पर भी काले और सुरमई होते हैं, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा स्किन रंग का होता है। चूंच का रंग पीला, जबकि चूंच के एंड वाला हिस्सा जो होता है वो नीला होता है। नर और मादा परिंदे एक जैसे होते हैं, जबकि बच्चों के पेट का रंग सफेद होता है। ये मैना दरख्तों और फसलों के अंदर घोंसला बनाती है। मादाएं एक दफा में 3 से 5 अंडे देती हैं। इसकी खुराक भी दूसरी मैनाओं की तरह ही होती है। ये भी गिरोह की शक्ल में उड़ती हैं और उड़ते हुए बड़े ही मुनज्जम तरीके से अपनी सिमत को बदलती हैं। नंबर 8 पे है स्पॉट विंग्ड स्टारलिंग। ये मैना कभी कभार पाकिस्तान में देखी गई है, वैसे ये भारत में पाई जाती है, क्योंकि ये मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर रहने वाला परिंदा नहीं है। ये आम तौर पर मैदानी इलाकों में गर्म मरतूब जंगल में देखी जाती है। नंबर 9 पे बात करेंगे रोजी स्टारलिंग या गुलाबी मैना के बारे में। इस मैना को आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसका रंग काला और हल्का गुलाबी होता है और सर के ऊपर एक बहुत प्यारा सा ताज बना हुआ होता है। ब्रीडिंग के मौसम में नरों के सर पर बालों का एक गुच्छा सा मौजूद होता है, जो कि इसके ताज का काम करता है। ये आमतौर पर दूसरे ममालिक में रहती है, लेकिन सर्दियां गुजारने के लिए ये पाकिस्तान आ जाती है और पाकिस्तान में उस दौरान ये सूबा सिंध और पंजाब में पाई जाती है। ये आमतौर पर खुले घास वाले इलाकों को पसंद करती है, जहाँ पर घास के टिड्डे काफी मकदार में हों। ये ग्रो में रहने वाला परिंदा है। इसको आप किसान दोस्त परिंदा भी कह सकते हैं, यानी कि ये भी फसलों से कीड़ों को खाने का काम करती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।